तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सभी लोग होंगे मज़े में। तो दोस्तों, आज हमारे पास है पोको का X3 जो कि बिल्कुल बंद कंडीशन में है। दोस्तों, कैसे इसको रिपेयर करेंगे आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, नीचे कमेंट्स लिख दो एक अच्छी सी। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने चार्जिंग मशीन पर आपको इसको लगा कर दिखा दूँगा कि ये चार्जिंग ले रहा है या नहीं ले रहा है, कितने एम्पेयर कंज्यूम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो दोस्तों, देख सकते हैं चार्जिंग पर मैंने लगाया था लेकिन कुछ भी कंज्यूम नहीं कर रहा है। यहाँ पर मैंने इसको कनेक्ट कर लिया है डीसी मशीन पर ओनली। दोस्तों, ये 4.7 पर स्टक हो रहा है, यानी रुक रहा है, ब्लिंक कर रहा है, एम्पेयर कंज्यूम करने की कोशिश कर रहा है, फिर भी ड्रॉप कर रहा है। दोस्तों, यहाँ पर मैंने इसको खोल लिया है फ़ोन को पूरा और सारे कनेक्टर को निकाल लेता हूँ मैं बाहर। तो दोस्तों, देख सकते हैं सीपीयू की जाली पर एक पेस्ट पड़ा हुआ होता है दोस्तों, जो सीपीयू को ठंडा रखता है। उसको मैं यहाँ पर कॉटन से पहले क्लीन करूँगा, क्लीन करने के बाद आगे का प्रोसेस चालू करूँगा। तो दोस्तों, मदरबोर्ड को मैंने यहाँ पर फिक्स कर लिया है पीसीबी स्टैंड में, और यहाँ पर ग्लू कटर की मदद से एसएमडी की हीट यहाँ पर रखी है मैंने 260, और इसकी जो ग्लू पड़ी होती है चारों तरफ जो सीपीयू को फिक्स रखती है, मॉइस्चर से बचाती है, गिरने से बचाती है दोस्तों, उसको यहाँ पर सबसे पहले बड़े आराम से मैं इस ग्लू को काट लूँगा। दोस्तों, ज़्यादा हमें यहाँ पर हार्ड कटर का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर हार्ड कटर का इस्तेमाल करोगे तो हमारे दोस्तों नीचे के प्रिंट ख़राब हो जाएंगे, जिसमें हमें आगे बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, ग्लू की कटिंग हो गई है, यहाँ पर मैं इस पे लगा लेता हूँ थोड़ा सा पेस्ट, और पेस्ट लगाने के बाद दोस्तों एसएमडी की मदद से मैं इस सीपीयू को करूँगा बाहर।
तो फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर सीपीयू उतरने के लिए तैयार है। देखिए दोस्तों सीपीयू उतर चुका है, यहाँ पर हमें कोई ज़बरदस्ती नहीं करनी है वरना सीपीयू के जो बोर्ड पर बने हुए प्रिंट होते हैं वो ख़राब हो जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर फिर दोबारा से सीपीयू को मैंने फिक्स कर लिया है मदरबोर्ड स्टैंड में और आयरन की मदद से इसकी जो ब्लैक ग्लू है उसको करता हूँ क्लीन। यहाँ पर हमें हल्के हल्के हाथ से क्लीन करना है दोस्तों, वरना जो हमारे सीपीयू की स्क्रीन है वो दोस्तों स्क्रैच हो जाएगी, जिसमें आपका सीपीयू ख़राब होने के चांसेस भी होते हैं। तो दोस्तों सीपीयू हमारा हो चुका है पूरी तरह क्लीन। यहाँ पर दोस्तों आगे का जो प्रोसेस है वो ये है, अब मैं मदरबोर्ड को क्लीन करूँगा, जो सीपीयू वाली जगह है मदरबोर्ड की उसको क्लीन कर रहा हूँ। यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं डिसोल्डिंग वायर का और आयरन का। दोस्तों आयरन से पूरी तरह इसको क्लीन कर लेंगे, साफ़ कर लेंगे, ग्लो को पूरी तरह साफ़ कर लेंगे, जो प्रिंट है उनको पूरी तरह क्लीन कर लेंगे। दोस्तों मेन काम होता है हमारे सीपीयू को अच्छी तरीके से साफ़ करने का और मदरबोर्ड पर जहाँ पर सीपीयू फिक्स होता है जो प्रिंट होते हैं उनको अच्छी तरीके से क्लीन करने का मेन काम होता है। और हाँ दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एक अच्छी सी कमेंट्स दे दो और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी अदर टॉपिक पर कोई वीडियो बनाऊं आपके लिए तो वो भी आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं। तो दोस्तों सीपीयू को मैं कनेक्ट कर लेता हूँ अपनी स्टेंसिल्स के अंदर। दोस्तों स्टेंसिल्स के अंदर पूरी तरह फिक्स कर लेना है, पीछे टेप लगा देनी है। और दोस्तों यहाँ पर मैंने पीपीडी ऑलरेडी लगा दी थी, वीडियो नहीं बना पाया था, और यहाँ पर मैं सीपीयू को कर लेता हूँ रिवॉल्व। तो दोस्तों सीपीयू रिवॉल्व करने में भी आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर आप चाहते हैं कि सीपीयू या किसी भी आईसी को रिपेयर करने के लिए कोई भी वीडियो मैं आगे बनाऊं तो आप नीचे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपको पूरा प्रोसेस समझाऊंगा कि कैसे हमें कौन सी आईसी को कितनी हीट पर उतारना है, कितनी हीट पर फिक्स करना है और किन किन टूलों का इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों सीपीयू हमारा बनकर हो गया है तैयार, अब हम देखेंगे कि सीपीयू कैसा बना है। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं दोस्तों थिनर का, थिनर से सीपीयू को क्लीन कर लूँगा। एक एक बॉल बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए सीपीयू की। तो दोस्तों अब मैं इसको फिक्स करने वाला हूँ मदरबोर्ड के अंदर। तो दोस्तों मदरबोर्ड भी हमारा ठंडा हो चुका है और सीपीयू भी प्रॉपर बन चुका है और उसकी सफाई भी हो चुकी है। दोस्तों यहाँ पर आ गया हूँ मैं मदरबोर्ड के ऊपर, सीपीयू को सही डायरेक्शन में रख लिया है और कितनी हीट का इस्तेमाल करना है वो आप कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। और सीपीयू को यहाँ पर कर रहा हूँ मैं फिक्स। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दो। और हाँ दोस्तों, मेरे चैनल पर किसी भी प्रकार की कोई फेक इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती और ना ही किसी फेक प्रोडक्ट का प्रचार किया जाता। तो दोस्तों सीपीयू यहाँ पर हमारा फिक्स होने के लिए पूरी तरह तैयार है, फिक्स हो रहा है, आप वीडियो में देख ही सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा पेस्ट घेर लिया है और पेस्ट घेरने के बाद दोस्तों सीपीयू के अंदर पेस्ट चला गया है। बोर्ड को होने देंगे ठंडा और चेक करेंगे कि फ़ोन हमारा चालू हुआ है या नहीं हुआ है, बोर्ड ठंडा होने के बाद ही फिक्स करेंगे। दोस्तों सारे कनेक्टर बड़े प्यार से लगाने हैं, कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है। अब दोस्तों देखेंगे स्क्रीन पर हमारा फ़ोन चालू हुआ या नहीं हुआ। देख सकते हैं दोस्तों हमारा मोबाइल चालू हो चुका है। सीपीयू को लगाने के लिए केवल आपको छोटे छोटे टिप्स की ज़रूरत है। अगर आप चाहते हैं ऐसे टिप्स को लेना तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी क्लास। क्लास आपको हापुड़ में ही दी जाएगी, सारे ऑन फोनों पर ही आपको प्रैक्टिकल कराया जाएगा। तो दोस्तों हमारे ट्रेनिंग सेंटर का नाम है सोनू ऑल मोबाइल किंग, त्यागी मार्केट, कोटी गेट, नियर डॉक्टर इंद्रजीत शर्मा, हापुड़। हमारा मोबाइल नंबर है 9358
6656। दोस्तों अगर आप चाहते हैं रिपेयरिंग की दुनिया में आगे बढ़ना तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं, ऑफलाइन क्लास ले सकते हैं, या आप हमारे पास से मोबाइल को रिपेयर करा सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। हम फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।